सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि भारत के महाराष्ट्र जनगणना आयुक्त भारत सरकार के निदेशक ने एक पत्र जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान के निदेशक जयपुर को 4 सितंबर 2024 को पूर्व में निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान जयपुर द्वारा जनगणना के कार्य कारण जुलाई 2024 को सभी सीमाएं जिला उपखंड तहसील उप तहसील सीमा सील कर की थी, जिसे दिसंबर 2024 तक सील मुक्त करने की अनुशंसा की गई थी। उस पत्र के जवाब में महाराष्ट्र जनगणना आयुक्त ने पत्र लिखा कि राजस्थान के बजट 2024-25 में की गई घोषणाओं के अलावा किसी भी प्रकार की सीमा परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने माननीय गृह मंत्री को पुनः पत्र लिखकर पुनः सीमाओं को सील मुक्त करने का पत्र लिखा, परंतु अभी तक उनका भी कोई जवाब नहीं आया है, जिससे करीब एक महीना दोबारा जो मुख्यमंत्री लेटर लिखा गृह मंत्री को उसको एक महीना हो गया। धरना स्थल पर दोनों बातें धरनार्थियों को बताई गई, सभी की राय ये बनी कि वर्तमान में जनगणना आयुक्त भारत सरकार दूसरे पत्र का कोई जवाब नहीं आया है, ऐसी स्थिति में सभी की राय बनी कि धरना स्थगित रखा जाए। धरना समाप्त नहीं किया गया है, उसे स्थगित किया गया है। मान लो कल ही कोई नई बात आ जाए तो परसों कल ही धरना देना पड़ता। अगर महाराष्ट्र जनगणना आयोग द्वारा सीमाओं के संशोधन की जानकारी मिल जाती है उसी दिन से धरना पुनः शुरू कर दिया जाएगा। ये बात आपकी राय से जानकारी से पूरे लिखी, क्योंकि अभी अपने पास जो लेटर है वो एक ही है कि सीमाएं सील है 1 जुलाई 2024 से, जुलाई महीना भी था ना, जुलाई से अगले दिसंबर तक सील है। दिसंबर से जनगणना चालू होगी, अगले दिसंबर चलेगी। मुख्यमंत्री ने उन्हें जवाब लिखा है, लेटर मांगा 4-9 को, जिस दिन महाराष्ट्र ने मना किया उस दिन लेटर लिखा, वो लिखा 4 तारीख को, आज 2 तारीख है, महीना पर होने जा रहा, उसका कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब अंदर की कुछ खिचड़ी दूसरी पकड़ी कि बीजेपी के अंदर जो इतना अंतर विरोध है उसके कारण कुछ जिले नहीं बनाना चाहते हैं, कुछ जिलों को हटाना चाहते हैं, तो भजला जी चाहते हैं शांति से दिन निकले। महीने भर पहले मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, उसका जवाब मेरा आप सभी से निवेदन, पत्र आए या कोई जयपुर से जानकारी मिले उसी दिन हम आपको फोन कर देंगे, आपको पुणे आना है। दूसरी बात, खेती का समय, फसल कटाई का समय, हम नहीं चाहते हैं फसल कटाई का समय लोग पूछेंगे, जब सिलाए सीम है आप धरने पर क्यों बैठे हो, कोई दूसरा लेटर नहीं है। इस हिसाब से हम आपसे रजा चाहते हैं कि धरना स्थगित रखा जाए। आप सभी सहमत है ना, और जब भी हम ये संघर्ष समिति आपको याद करेगी पुनः आपको यह आना है। कुल मिलाकर के मुझे तो कल ही धन्यवाद मिला, रावसा ने फिर धन्यवाद दिया कि हर बात नहीं लगी, सीला सीमा जो सील के नहीं जुलाई में और सील रही थे जुलाई तक दिसंबर, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि जो संघर्ष आप लोगों ने किया, तमाम लोगों ने, व्यापारी साथ रहे, वकील व्यापारियों का बड़ा पूरा सहयोग रहा, कल ही वकीलों ने रैली निकाली, और आप किसानों की जो पंचायतें हमने दी, इन पंचायतों के लोग आने चाहिए, पंचायतों के लोग लगातार आ रहे हैं, कोई कमी नहीं है, उल्टे हमें टेलीफोन कर रहे हैं कि मारो नंबर कद है, मारो पंचायत और नाम क्यों नहीं, क्योंकि अभी तक 10 तारीख तक ही कार्यक्रम बना, क्योंकि हम इसलिए कार्यक्रम बढ़ाए 10 तारीख तक, 8 तारीख को हरियाणा के चुनाव की गिनती है, किसी ने यू कहा 8 तारीख के बाद भी कुछ कर सकते हैं, किसी ने कहा कि उपचुनाव राजस्थान में 7 बाकी है उसके बाद करेंगे, वो उपचुनाव तो नवंबर में होंगे, वो उपचुनाव तो नवंबर में है, इसलिए कल तक ये मामला था कि भाई चुनाव तक मामला है, कल ये नया लेटर मिला, हमें जानकारी मिली तब जाकर के ये अपने धरना स्थल की बात कर रहे हैं। आप सभी सहमत हैं, मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई दूंगा, आपका जो मजबूती आप लोगों की थी, आपकी जो एकता थी, मतलब 37 स्वयं के लोग थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, कमटा मजदूर थे, मास्टर थे, सांचौर के इतिहास में नहीं राजस्थान के पूरे इतिहास में ऐसा दिन 28 तारीख को प्राइवेट स्कूलें बंद, सरकारी स्कूलें बंद, गांव के अंदर दुकानें बंद, शहर की दुकानें बंद होती है, 28 तारीख को
गांव की दुकानें बंद रही, गांव के स्कूल बंद रही, लोगों ने नारे लगाए तो बड़ी एकता आप लोगों ने दिखाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत इस जिले की बधाई दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व मंत्री जी। अब मैं